हेलो हाय नमस्कार, दिस इज खुशवंत पटनानी एंड स्टार्ट ऑफ द सेशन फॉर द डे। हमारे साथ है क्लास 12th के स्टूडेंट्स, इनके साथ हम कर रहे हैं जेई और नीट की तैयारी। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं चैप्टर पर जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, राइट? सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द चैप्टर। काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर है। लेट्स गो अहेड विथ सॉल्विंग द सेम एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, राइट? सो हियर वी बिगिन। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ना हम लाइट के पार्टिकल नेचर या कह लीजिए इनफैक्ट वेव नेचर को ही देखते हैं, लाइट के वेव नेचर को ही देखते हैं। लेट्स से लाइट का वो नेचर जो रेज के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेट्स से लाइट को जब हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन के एक स्ट्रेट पाथ के अलोंग फॉलो लाइक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रही है, राइट? वो किस तरह से बिहेव करती है जब वो कोई दो अलग अलग सर्फेसिस के इंटरफेस पे आ जाए। लेट्स से एक पानी है ना, और उसके ऊपर एयर है। तो एयर से जब वाटर के अंदर लाइट प्रवेश कर रही है या एंटर कर रही है तो कैसे बिहेव करेगी, राइट? तो इस तरह की चीजें हम लोग समझते हैं जब हम देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को, या फिर आपके जो लेंसेज होते हैं, है ना? लेंसेज किस तरह से काम करते हैं, कौन से प्रिंसिपल हैं जिनके बेसिस पे आपके आई लेंसेज काम करते हैं, या फिर अभी कितने सारे एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमिना हो रहे हैं। हम लोगों ने सुना है कि जो सैटर्न और जुपिटर है, सही कह रहा हूँ ना हर्ष, सैटर्न और जुपिटर अभी पास आए हुए हैं इन द एटमॉस्फेयर। आई थिंक 2-3 दिन पहले वो सबसे नजदीक थे इन द हिस्ट्री ऑफ 400 ईयर्स। तो ये सारी चीजें कैसे देख पा रहे हैं हम लोग, टेलीस्कोप्स के जरिए, राइट? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स हैं। तो ये सारी चीजें कैसे काम कर रही है। देन आपके पास प्रिज्म होते हैं, है ना? तो प्रिज्म किस तरह से काम करते हैं। ये सारी की सारी दुनिया में अलग अलग जगह बहुत सारी चीजें हो रही। इनफैक्ट आप लोगों ने कभी ये गौर नहीं किया कि हम कहते हैं लाइट सन से आती है और शाम के समय सन तो नहीं रहता फिर भी लाइट रहती है। ऐसा क्यों होता है, करुणा एनी आइडिया? शाम के समय सन गायब हो जाता है लेकिन फिर भी लाइट रहती है, क्या लगता है करुणा क्यों होता है ऐसा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, वन ऑफ द रीजंस, यस। और भी कुछ होता है? अच्छा, सन हमको दिख रहा होता है, पता है, एक खास फिनोमेना होता है जिसको अपन कहते हैं रिफ्रैक्शन। मतलब सन जब हम शाम के समय जो हम देखते हैं ना, सन जो दिखता तो है लेकिन उसकी उतनी रोशनी नहीं रहती, मतलब उससे तुमको कोई इशू नहीं होगा कभी, करेक्ट? उसका कारण पता है क्या है? एक्चुअली सन वहां नहीं है, जहां तुम जिस लाइन ऑफ साइट में सन को देख रही हो एक्चुअली सन वहां है ही नहीं। सन एक्चुअली तो दूसरी जगह पर, लाइक अर्थ का लेट्स से तुम एक हेमिस्फीयर पे हो, दूसरे हेमिस्फीयर पर इस वक्त यहाँ शाम हो रही है, दूसरी जगह दिन हो रहा है। तो सन तो एक्चुअली दूसरी तरफ है, दूसरा वाला साइड सन को फेस कर रहा है। तुम पूरी तरह से अंधकार वाले साइड में आ चुकी हो, उसके बावजूद तुम्हें सन दिख रहा होता है। इसका एक रीजन है, वो रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या रीजन है करुणा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सन तुम्हारे सामने नहीं है, लेट्स से यहाँ पे इसको सन मानते हैं, ठीक है, ये अर्थ है, तुम इस तरफ अंधेरे वाले हिस्से में पहुंच चुकी हो, राइट? लेकिन फिर भी थोड़े समय तक तुमको ये सन दिख रहा होता है। लेट्स से यू आर ओवर हियर, ठीक है, इस इंटरसेक्शन पर हो यहाँ पर और सन यहाँ है, लेकिन फिर भी यहाँ होते हुए भी तुम्हें ऐसा लगेगा सन यहाँ पर है और तुम सन को देख पा रही होगी। समझ पा रही हो करुणा मैंने क्या कहा? सन इज ओवर हियर। I think Corona got locked out. Harsh, मेरा point clear हुआ? मैंने क्या समझाया? कि we are over here, right? This is the globe, है ना? हम यहाँ पे हैं, लेकिन और sun इस जगह पे है, right? Sun पूरे इस जगह को पूरी तरह से रोशन कर रहा है, और हमें ऐसा लगेगा यहाँ होते हुए भी जहाँ पे रोशनी नहीं है at this point, right? यहाँ होते हुए हमें ऐसा लगेगा कि sun अभी भी हमारे सामने, जबकि इस तरफ कोई sun नहीं, sun यहाँ पे है, फिर भी हमें सन दिख रहा होगा। कौन करेगा ऐसा हर्ष? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हम समझने जा रहे हैं ऐसा कैसे होता है, रिफ्रैक्शन ऐसा कैसे करा पाता है। अच्छा, तुम लोगों ने कभी एक वर्ड पढ़ा है क्या, मृग तृष्णा? किसने सुना है ये वर्ड? हैंड रेस करो तो जरा मुझे बताओ अगर किसी को आइडिया है मृग तृष्णा क्या होता है। करुणा एनी आइडिया मृग तृष्णा वर्ड का क्या मतलब होता है? हर्ष, अरे मैं बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। नो सर,
अच्छा जस्ट वन मिनट, सो वेयर वी वर, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मृग तृष्णा. कभी भी आप जब कभी आप लेट्स से डेजर्ट में होते हो ना, तो डेजर्ट में एट सम डिस्टेंस ऑन द सैंड हमें क्या लगता है कि कई बार कुछ दूरी पर देर इज सम काइंड ऑफ लेक, लेकिन आप पास जाते हो तो लेक गायब हो जाता है, फिर आप और पास जाते हो तो लेक फिर गायब हो जाता है और दूर शिफ्ट होता चला जाता है. इसको मृग तृष्णा बोलते हैं. इनफैक्ट मृग का मतलब होता है जानवर, है ना, और मतलब हिरण, और तृष्णा का मतलब होता है प्यास. तो जो जानवर लेट्स से सूखे इलाकों में रहते हैं, है ना, उनके लिए बहुत बड़ा शॉक रहता है. क्यों? क्योंकि उनको रिफ्रैक्शन की वजह से, लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से काफी एक जोन बहुत ज्यादा रेती का एक जोन इतना ज्यादा रोशनी नुमा हो जाता है कि उनको लगता है जैसे, इनफैक्ट रोशनी नुमा मतलब वहां पे देखना है यहाँ पे. सो लेट्स से दिस इज सरफेस ऑफ द सैंड, यहां पर कोई एक जो भी जानवर है, ठीक है, राइट. तो इस जानवर को लेट्स से यहां पर देर इज सम काइंड ऑफ
ट्री, ठीक है. तो अब क्या होता है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन हैपनिंग, यहाँ पर देर इज एन इमेज, एक यहाँ पर इस पूरे जोन की नीचे की तरफ एक इमेज क्रिएट हो जाती है, जो कि इसको ऐसा इसको इसको एक एहसास दिलाती है इस आदमी यहाँ पर जो हिरन खड़ा हुआ है, कि यहाँ पर लेट्स से एक लेक हो, और जैसे ही ये यहाँ पर जाता है, जैसे ही यहाँ पर जाता है ये वाला इमेज, फिर यहाँ वाले पेड़ों की वजह से बनने लगता है, थोड़ा और दूर वो थोड़ा और खसकते चला जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो दिस इज कॉल्ड द फिनोमेना ऑफ अगेन रिफ्रैक्शन की वजह से, इनफैक्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या कह लो रिफ्रैक्शन की वजह से इस तरह के बहुत सारे फिनोमेना हो रहे होते हैं. ठीक है, सो दिस इज अबाउट इट. ये वो पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, और बस इतना बेसिक्स है. आप लोग मिरर्स घर में रोज यूज करते हो, गाड़ियों के अंदर ऐसा मिरर लिखा रहता है ना, ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर इन द लाइक ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लोजर, ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर दैन दे अपीयर इन द मिरर, ऐसा कुछ रहता है हर्ष, राइट? गाड़ी के सामने जो आपके मिरर्स होते हैं उस पर लिखा होता है. यस सर. और इनफैक्ट आप लोग अगर आपने देखा है लोगों को शेविंग वगैरह करते हुए, या फिर लेडीज को कुछ कुछ भी वो मस्कारा या क्या जो भी लगाते हैं वो सब लगाते हुए, तो उसके लिए जो छोटे मिरर्स यूज होते हैं, स्मॉल मिरर्स, है ना, उन स्मॉल मिरर्स में भी कुछ खासियत होती है ना. सो वो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं जो आप पास के मिरर्स यूज करते हैं देखने के लिए अपने आप को, वो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं. गाड़ियों में जो लगाए जाते हैं वो भी स्फेरिकल मिरर्स होते हैं. अगेन ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर द एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, है ना. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इतना वास्ट, इतना प्यारा कॉन्सेप्ट अपने साथ लेकर आता है, इतनी प्यारी एप्लीकेशंस अपने साथ लेकर आता है. ऑप्टिक्स शब्द का मतलब आप जानते हो, राइट? लाइट, लाइट को डिनोट करता है द वर्ड ऑप्टिक्स. Because it is such a beautiful chapter, we will start this chapter in the name of God. God denotes peace. So, hum log for few seconds, apni aankhein band karenge. We will be just in peaceful mode before we begin. Request all of you to kindly close your eyes with a broad smile on your face, and let there be peace in your heart. In your mind. Let your breaths be as normal as it can be. With a smile, let's open our eyes and start the chapter very slowly and gently. Let's begin. इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन. आप लोगों ने क्लास 9-10 में पढ़ा है शायद ये, कि अगर आप किसी एक प्लेन ग्लास को लेकर उसके सरफेस पे, लेट्स से एक सरफेस पे मर्क्यूरी लगा दें या सिल्वर लगा दें, है ना, वो एक शाइनिंग मटेरियल लगा दो ग्लास के सरफेस का, एक साइड अगर आप शाइनिंग या किसी सिल्वरी मटेरियल से कवर कर दें, तो ये वाला दूसरा हिस्सा, the other side, starts reflecting whatever comes. मतलब हम ये बात जानते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कब देखते हैं, जब लाइट रे उससे टकराकर मेरी आंखों तक पहुंचे. सो अगर मेरे मुझे अभी अपने हाथ दिख रहे हैं, उसका रीजन है कि लाइट रे समहाउ आसपास से
इस हाथ से टकरा कर मेरी आंखों तक मेरे रेटिना तक पहुंच रही है जहां पर इमेज बन रही है एंड आई एम एबल टू परसीव एवरीथिंग जस्ट एज इट इज. सो यहाँ पर फिनोमिना क्या होता है, लेट्स से कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कहीं से लाइट आती है, इस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और इस ऑब्जेक्ट से निकलती है लाइट. कूल, इट कम्स एंड स्ट्राइक्स दिस मिरर, ऐसा. ठीक है, नाउ इस लाइट को हम कहते हैं इंसिडेंट लाइट. इस लाइट को हम कहते हैं इंसिडेंट लाइट. ठीक है, नाउ यही लाइट जो आई ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्टेड लाइट रे. ये कहलाती है इंसिडेंट लाइट रे, ये कहलाती है रिफ्लेक्टेड लाइट रे. रिफ्लेक्टेड लाइट रे या सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, सो रिफ्लेक्शन के ना दो लॉज होते हैं. पहला लॉ क्या होता है कि अगर ठीक है, ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब होता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो. सपोज इसका मैं नाम देता हूँ n, n डैश. तो अगर सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल है, है ना, सो लेट मी राइट दिस ओवर हियर. तो पहला लॉ होता है रिफ्लेक्शन का कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, सबकी सब एक प्लेन पर लाई करती हैं. क्या कहा मैंने, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे सबके सब एक प्लेन पर लाई करते हैं. राइट, लाई ऑन वन सेम प्लेन. And coincide at this point, ये वाला point, the point of reflection, ठीक है, and coincide मतलब मिलना, right? तो coincide at point of reflection. लेट्स से इसको मैं कहता हूँ इंसिडेंस एंगल. ठीक है, वाइल दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन एंगल, मतलब वो एंगल जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है उसे हम कहते हैं इंसिडेंस एंगल, और वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रही है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल. ये दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, इक्वल. इसको लिख लेना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, this is called angle of incidence, I. आप किसी भी से भी denote कर सकते हो, मैंने I लिया है. Well, this is called angle of reflection. ठीक है, जैसे ही ये पेज लिखना हो जाए तो हैंड रेज करना, तो अपन नेक्स्ट पे आते हैं. यस क्लास,
हो गया एवरीवन? यस सर कंप्लीटेड. वाज दिस हर्ष? यस सर. हाँ हर्ष, तुम्हारी आज आवाज अलग सी लग रही है. ऑल गुड. फर्स्ट टाइम लाइक आई एम यूजिंग लैपटॉप सर. माय ब्रदर गॉट इट सो आई एम जस्ट प्लेइंग वंस. अच्छा सो आई डोंट नो हाउ टू रेज हैंड इन दैट. ओहो, कोई बात नहीं. ठीक है, इसमें हैंड रेज के लिए पार्टिसिपेंट सेक्शन में जाओ, वहां पे तुमको मिलना चाहिए हैंड रेज ऑप्शन. हर्ष. यस सर. थैंक यू सर. ओके. लिख लिया सबने? तो एक क्वेश्चन देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन है ओवर हियर. आपके पास एक सरफेस ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस. और यहाँ पर एक और सरफेस है ऐसा. दोनों दोनों को हमने सिल्वर कर दिया, मतलब मिररिंग दे दी. ठीक है, और कहा कि हम एक लाइट रे को ऐसे लेकर जाते हैं. ठीक है, इस तरह से. ठीक है, और वो कितना एंगल बना रही है? वो यहां से बना रही है 30 डिग्री का एंगल ऐसा. ठीक है, वो लाइट रे वापस से टकरा के ऐसे जाती है. ठीक है, और फिर से टकरा के ऐसे निकल जाती है. ठीक है, आपको बताना है ये एंगल थीटा कितना होगा. ट्राई करो. डन. हर्ष ट्राई करो, करुणा ट्राई करो, गौरी. सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आपने क्या बनाना है? करुणा, इसके लिए क्या हम लोग एंगल ऑफ इस पहली रे के लिए, लेट्स से मैं इन रेज को नाम दे देता हूँ. लेट्स से दिस इज रे नंबर ए, दिस इज रे नंबर बी, दिस इज रे नंबर सी. तो जो फर्स्ट रे आ रही है ए, क्या उसके लिए हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बता सकते हैं? करुणा. यस सर. कितना हो जाएगा बताओ? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री. 30? श्योर. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? देखो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल. इसीलिए तो सवाल दिया था ताकि गलती करूं. अब बताओ. सो 45. अरे ये 90 है, यानी कि नॉर्मल है. 90 डिग्री का एंगल बना रही है सरफेस से. और ये वाला एंगल कितना है? 30. तो मैं पूछ रहा हूँ इंसिडेंट एंगल कितना है? एंगल आई 60. हाँ, क्लियर हुआ क्या? यस सर. यस. अब ये टकरा कर कहाँ जाती है? दूसरे वाले मिरर पे, कुछ इस तरह से. यहाँ पर इस मिरर को भी बना लेते हैं कुछ ऐसा. और फिर से रिफ्लेक्शन ले लेते हैं कुछ इस तरह से. गौरी, ये वाला पार्ट तुम करो. अब हमारे पास ये वाला एंगल कितना हो जाएगा गौरी? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना. तो दिस एंगल गौरी, दिस शुड बी 60. क्यों?
किसने कह दिया ऐसा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. गुड. अब ये वाला एंगल कितना होगा जिसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, दिस वन? 30. कैसे? नॉर्मल. हाँ, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये 90 होना चाहिए टोटल, और ये 60 है, तो उसका बचा हुआ एंगल कैसा हो गया? 30. कूल, बढ़िया. सो इसको अलग कलर से मार्क कर लेते हैं. लेट्स से दिस वन इज 30, है ना. अब ये लाइट रे यहाँ जाकर टकराती है, ये कितना एंगल है गौरी? दिस वन 90 डिग्री. ये कितना हो जाएगा गौरी? 90. बोलो बोलो. एक ट्रायंगल के अंदर के टोटल एंगल का सम जानती हो? ये 90 है, ये 30 है, ये कितना हो जाएगा बताओ? यस गौरी, तुम कर सकती हो. 60. गुड. सो दिस इज 90, दिस इज 30, तो ये वाला जो साइड है दैट विल बी 60. अब ये 60 आ गया, तो ये वाला साइड बताना कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? हाँ गौरी बोलो. दिस पिंक वन 30. फिर से नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट, इसका मतलब ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा बताना? 30 डिग्री. हाँ 30 डिग्री. 30 डिग्री, इसका मतलब जो उस एंगल की हमें तलाश थी थीटा, वो कितना हो जाएगा बताओ? 60 डिग्री. आसान था, कर लोगे, सिंपल था. एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. हर्ष, अच्छा सबसे पहले गौरी, क्लियर हुआ क्या? यस सर. हर्ष, क्लियर हुआ? यस सर. ओके, देखो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं. कभी भी अगर प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होता है, तो आपको, लेट्स से यू आर समवेयर ओवर हियर, आप ऐसे खड़े हो, और आपको अपनी पूरी की पूरी हाइट एक मिरर के अंदर देखनी है, ठीक है. तो उसका लॉ क्या है? उसका लॉ ये है कि मिरर की हाइट, लेट्स से यहाँ पर मैं मिरर बना रहा हूँ, आपकी हाइट का कम से कम हाफ होना चाहिए. क्या कहा मैंने? इफ़ यू वॉन्ट टू सी अ फुल इमेज इन अ मिरर, देन योर हाइट शुड बी देन द हाइट ऑफ द मिरर शुड बी एट लीस्ट हाफ ऑफ योर टोटल हाइट. If you want to see your total height in the mirror. बात क्लियर हो रही है क्या हर्ष, गौरी? ये एक एज अ फैक्ट याद रखो, ऐसे बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, बट छोटी छोटी चीजें पता हो तो फिर यू माइट लाइक टैकल सच क्वेश्चन समवेयर. सो लिखना इसको, इन ऑर्डर टू सी one's full image in a mirror, height of mirror या minimum height of mirror, minimum height of mirror is equal to half of या 0.5 times of height of the man. ठीक है. सो अगर मैन की हाइट इज h, तो मिरर की हाइट शुड बी h by 2. ये लेट्स से मिरर है जिसमें मुझे पूरी मैन की इमेज देखनी है, देन इसकी हाइट, मिनिमम हाइट शुड बी h by 2. ठीक है, ऐसे फैक्ट से इसको प्रूव किया जा सकता है, बट इट इज़ अ गुड प्रोसेस, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, बट दिस इज द थिंग. ठीक है, एक अगला फैक्ट लिखना. एक अगर आपके पीछे एक दीवार है, ठीक है, और आपके सामने एक मिरर है,
ऐसा ठीक है, और आप इसके बीचों बीच खड़े हो यहाँ पे, ठीक है। सो कहने का क्या मतलब है कि अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कैसा है, एक्स। ये क्या है, वॉल। इसको मैं नीचे लिखता हूँ, ये है वॉल और ये है मिरर, ठीक है। सो दिस इज द मिरर, वेल दिस इज द वॉल। अब मेरा, मैं क्या कह रहा हूँ, आप मिरर के ठीक बीचों बीच खड़े हो, मतलब ये भी एक्स है मिरर और वॉल के। तो अगर आपको अपने पीछे की, जैसे मेरे लिए ये वाला कैमरा इज अ मिरर, क्योंकि मुझे अपनी इमेज दिख रही है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर मुझे अपने पीछे की जो पूरी वॉल है अगर वो देखनी है मिरर में, इन ऑर्डर टू सी द फुल वॉल बिहाइंड मी, मिरर की लेंथ शुड बी 1/3 ऑफ, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द वॉल। तो लेट्स से वॉल की जो हाइट है, अगर वो इस केस में भी एच है, तो मिरर की हाइट शुड बी 1/3, एटलीस्ट 1/3 ऑफ दिस हाइट। ये भी प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। आई हैव द प्रूफ्स विथ मी, इफ यू वांट आई विल सेंड यू द सेम। सो इसको लिख लेना, इफ अ मैन स्टैंड्स एग्जैक्टली बिटवीन between a mirror and a wall behind him, in order to see full wall of height, height h, the height of mirror, the minimum height of mirror required is h by 3. So I'll put this in red, yeah, let's say green. इसको अपने पास लिख लो, ठीक है। यस क्लास, जैसे हो जाए तो आप लोग हैंड रेज करेंगे। यस क्लास, लिखे हो क्या, बड़े आगे। चलो आप लोग अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए, थैंक यू। तो यहाँ आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पे। अब की बार मैंने क्या किया, इस तरह से एक मिरर लिया, एक दूसरा मिरर उसके किसी एंगल पे रख दिया। लेट्स से ये एंगल अल्फा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहता हूँ ध्यान से सुनना, आपके पास एक लाइट रे है जो चल के आती है कुछ इस तरह से। मैं इन मिरर्स को नाम दे देता हूँ, लेट्स से दिस इज मिरर ए वेल दिस इज मिरर बी, ठीक है। तो एक लाइट रे ऐसे चल के आती है, ठीक है, और पैरेलली चल के आती है, मतलब लोअर वाले मिरर के जीरो एंगल पर, उससे वो कोई एंगल नहीं मिलानी नीचे वाले से, ऐसे आती है टकराती है, ठीक है, और
जब उसका रिफ्लेक्शन होता है ना, जब उसका रिफ्लेक्शन होता है तो ये जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है, ये पहले वाले मतलब मिरर बी के पैरेलल हो जाती है, समझ पा रहे हो? सो टू बी मोर प्रिसाइज, द रेड रे इज पैरेलल टू द लोअर मिरर, जबकि द ब्लू रे इज पैरेलल टू द मिरर नंबर बी, ऐसा दिया जा रहा है. सो दिस इज, सो द ब्लू वन, ब्लू रे इज पैरेलल टू मिरर बी. ये कौन सी फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये है फाइनल रिफ्लेक्टेड रे. और जो रेड रे है दैट इज द ओरिजिनल इंसिडेंट रे, है ना, ओरिजिनल जो सबसे पहले आई थी, ओरिजिनल इंसिडेंट रे. ये किसके पैरेलल है? मिरर ए के. ठीक है, आपको बताना है अल्फा एंगल कितना होगा. दिस इज इंसिडेंट टू ओरिजिनल इंसिडेंट रे, दिस इज पैरेलल टू मिरर रेड रे इज पैरेलल टू मिरर ए, वेल ब्लू रे इज पैरेलल टू मिरर बी, ऐसा दिया हुआ है. ठीक है, चलो ट्राई करो. Done. अच्छा चलो हर्ष, मेरे साथ बनाओ ये सवाल. यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रे बनाते हैं, लेट्स से जहाँ पर पहला इंसिडेंस हुआ, या लेट्स से यहाँ पे ऐसा, ये क्या कहलाएगी हर्ष, जो एकदम बीचों बीच और 90 डिग्री पर फॉर्म हो रही होगी? नॉर्मल. नॉर्मल, ठीक है. तो अज्यूम करते हैं कि वो एंगल बनाती है लेट्स से बीटा. तो अगर इंसिडेंट एंगल बीटा है हर्ष, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? बोलो बोलो. अरे हर्ष, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं, सेम के अलग अलग? हर्ष तुम्हारी आवाज बहुत दूर से आ रही है, ऐसा लग रहा है. इक्वल सर. इक्वल, ठीक है. तो बताओ ये एंगल कैसा हो जाएगा? बीटा. बीटा, ठीक है. ये नॉर्मल है, ठीक है, सपोज एन एन डैश. अब क्या होता है कि अब यही लाइट रे यहाँ स्ट्राइक कर रही है, राइट? अब बाय सिमेट्री हम क्या कह सकते हैं, ये अगर सपोज बीटा है तो ये कैसा हो जाएगा बताना हर्ष, 90 माइनस बीटा, हाँ या ना बताना, कि 180 माइनस बीटा कितना होगा हर्ष? 90 माइनस बीटा. उसी तरह से ये भी कैसा हो जाएगा, 90 माइनस बीटा, राइट? अब ये लाइट रे यहां टकराती है, फिर से यहां पर एक नॉर्मल बना देते हैं. कैसे है ना, नाउ ध्यान से देखना, क्वेश्चन में पैरेलल लाइंस के बारे में कहा गया है, तो ये वाली और ये वाली लाइन एक दूसरे के कैसी हैं, पैरेलल हैं, और ये इनको लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, देख पा रहे हो कि हर्ष? यस सर. तो अगर ये इंटरसेक्शन हो रहा है तो मुझे बताना, अगर ऐसे दो पैरेलल लाइंस है उनको एक ही लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे होता है, सेम या अलग अलग, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स? सेम सर. सेम होते हैं. तो बताना यहाँ पर जो एंगल बन रहा है कितना है टोटल एंगल बताना, दिस ये बीटा था और ये भी बीटा था, तो टोटल एंगल कितना हो गया? इसका मतलब ये भी कितना होगा, टू बीटा. पक्का?
ओके करुणा, ये क्लियर हुआ क्या पॉइंट मैंने जो अभी रखा आपके सामने? इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। गौरी, ये पॉइंट क्लियर हुआ? कुछ डाउट है तो पूछो। देखो ये वाली लाइन है एक, ये लाइन है दूसरी, इनके बीच में मैंने एक रख दी रे, ठीक है, और ये एंगल कैसा हो गया टू बीटा, ये भी कैसा हो जाएगा टू बीटा, क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। क्लियर हुआ क्या गौरी, एक बार बताना, मैं यहाँ पे आपके लिए फिर बना देता हूँ। दिस इज टू बीटा, इसका मतलब ये भी कैसा हो रहा है टू बीटा। गौरी बताओ तो क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू बीटा, करेक्ट। अब हमारा हो रहा है रिफ्लेक्शन, करेक्ट। सो देखते हैं इस तरह से, अभी तक हम सब कुछ बीटा के टर्म्स में ला रहे हैं ना, अभी हमने अल्फा के टर्म्स में कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। अब ये फिर से एक नॉर्मल ले लेते हैं। हर्ष, इसके आगे थोड़ा कुछ लगाओ, लॉजिक फंडा कुछ करो, ये कैसा हो जाएगा 90 माइनस टू बीटा, राइट? यस सर। और ये भी हो जाएगा 90 माइनस टू बीटा, मतलब ये कैसा हो जाएगा फिर से टू बीटा, ठीक है। मैं कुछ लॉजिक लगा रहा हूँ, आप भी कुछ सोचो। ये वाला है 90 माइनस टू बीटा, इन टर्म्स ऑफ अल्फा मैं कुछ सोच रहा हूँ, तुम लोग भी जरा सोचो इसके आगे क्या करें बनाने के लिए। B and the blue ray, they are parallel. कौन-कौन सी? This, हाँ, they are parallel. So, it will be corresponding angle. कौन-कौन से? 2 beta and alpha. Absolutely correct. क्या कहा हर्ष कौरी ने? मैं उसको यहाँ पे रिनोट कर रहा हूँ, देखो करुणा, हैव अ लुक। सो दिस इज वन रे, दिस इज अनदर रे, फिर से देखना, दिस इज वन रे, वेल दिस इज अनदर रे, दोनों पैरेलल हैं। अभी तक हमने किसके पैरेललिज्म का यूज किया था? रेड रे और लोअर वाला बेस, ठीक है। अब हम ब्लू रे और बी मिरर को देख रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ठीक है, इस वाली रे को, तो ये वाला एंगल अल्फा और ये वाला एंगल टू बीटा एक दूसरे के सेम हो जाएंगे क्या हर्ष? राइट, सो आई कैन राइट दिस इज अल्फा वेल दिस इज टू बीटा, क्यों? कैसे एंगल्स होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हर्ष क्लियर हो रहा है? हाँ सर। करुणा क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। और यहां पर पहले हो गए थे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को देखना, ये वाला N डैश, सपोज ये O और ये P, ठीक है। सो लेट्स से इस ट्रायंगल को देखते हैं, ये N डैश, ये O और ये P, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है 90 माइनस बीटा और ये है 2 बीटा। तो एक तो रिलेशन आ गया इससे करस्पॉन्डिंग एंगल से, अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा। और एक रिलेशन क्या आ सकता है बताओ, एक ट्रायंगल के टोटल एंगल कैसा होता है? करुणा बोलो। हाँ हाँ, 180 है ना, तो अब सबको सम करो क्या हो जाएगा, अल्फा बोलो प्लस 90 माइनस बीटा प्लस टू बीटा शुड गिव यू, अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा, अल्फा शुड गिव यू 180, क्योंकि क्या है एंगल ऑफ ट्रायंगल है कि नहीं, अल्फा
90 माइनस बीटा और 2 बीटा, ये सब एक ट्रायंगल के एंगल है कि नहीं करुणा? तो इनका सम किसके इक्वल आना चाहिए? 180. पक्का? तो दो इक्वेशन हो गई, दो वेरिएबल्स हो गए. सॉल्व करके बताओ कितना आता आंसर. मेरे साथ करो, अल्फा की जगह 2 बीटा डाल दो पूरे इसमें, या हमको अल्फा निकालना है ना तो बीटा की जगह अल्फा बाय 2 डाल दो हर जगह. हाँ करुणा करते जाओ, बीटा की जगह 2, बीटा की जगह अल्फा बाय 2 डालो हर जगह. अल्फा प्लस 90 माइनस 90 को गायब कर देते हैं, इस वाले को 90 कर देते हैं, ठीक है? Okay, और ये कैसा हो जाएगा, 2 बीटा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू प्लस बीटा, राइट? और प्लस बीटा की जगह कैसा आ जाएगा, अल्फा बाय 2, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया, 3 बाय 2 अल्फा इज इक्वल टू 90. इसका मतलब अल्फा कैसा आ जा रहा है, 180 बाय 3 विच इज इक्वल टू 60. गुड हर्ष, गौरी क्या हमें क्लियर है? दो रिलेशन यूज किए अल्फा और टू बीटा का. गौरी वेरी गुड दैट यू कुड फाइंड आउट द अनदर वन, है ना, रिलेशन. करुणा एक्सेलेंट. हर्ष क्लियर हो गया क्या? यस ग्रेट. एक बार इसको लिख लो, जैसे हो जाए तो हैंड रेज करना एवरीवन. अंटिल देन हैंड्स डाउन रखो. या जैसे हो जाए तो हैंड रेज करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं. डन, ठीक. अब एक और सवाल करते हैं, ठीक है? सो लेट्स से आपके पास देखो क्वेश्चन क्या लिखता है कि आपके पास एक टॉवर है और उसके बेस में एक मिरर लगा हुआ है. आई रीड द क्वेश्चन. व्हेन अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन द लेवल ग्राउंड, आपने एक ग्राउंड है उसके बेस पर एक प्लेन मिरर प्लेस कर दिया है, ठीक है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर्स फ्रॉम द फुट ऑफ अ टॉवर, टॉवर है यहां पर, ये टॉवर का फुट है, दिस इज द फुट ऑफ द टॉवर, राइट? ये टॉवर है. तो इस टॉवर से 60, इस टॉवर के फुट से 60 मीटर्स की दूरी पर, मतलब यहां पर आप एक मिरर प्लेस कर रहे हो, ठीक है? हमें क्वेश्चन कहता है द एंगल ऑफ फुट ऑफ द टॉवर, द The टॉप ऑफ द टॉवर एंड इट्स इमेज. अब यहां पर अगर मिरर है सपोज, ठीक है, ऐसा इस जगह पे एक मिरर है, तो इस मिरर की वजह से जरूर कोई इमेज बन रही होगी टॉवर की. तो वो इमेज, ठीक है, I'll basically write this question. मैं इसका interpretation आपको बता दूंगा तो leak हो जाएगा question का understanding. देखो यहाँ पर when, so यहाँ तक I think आपको clear हुआ, ठीक है? Tower है, base में mirror रखा हुआ है. Question आगे लिखता है the top of the tower, top of the tower and its image in the mirror. And its image in the mirror subtend an angle of 90 degree at the corner of the mirror nearer to the foot of the tower, at the
कॉर्नर ऑफ द मिरर नियरर टू द फुट ऑफ द टावर, नियरर टू द फुट ऑफ द टावर. ठीक है, तो हमें पूछा जा रहा है टावर की हाइट कितनी है, एच ऑफ द एच फॉर द टावर कितना है. ये टावर का फुट है. ठीक है, ये अच्छा सोचना जरा, थिंक अबाउट इट. आप लोग को मैं अगर समझाना चाहूँ तो मैं कुछ लॉज लिखवाऊंगा आप लोगों को, दो तीन छोटी छोटी चीज़ें हैं कि मिरर के इन केसेस में इमेजेस कैसे फॉर्म होती है. तो जो इमेज एक प्लेन मिरर में फॉर्म होती है ना, उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज. क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज. मतलब आप लोगों ने शायद ये पढ़ा हो कि अगर लाइन्स का रियल इंटरसेक्शन हो रहा है तो जो इमेज बनती है वो रियल इमेज कहलाती है. लेकिन रियल रेज का अगर इंटरसेक्शन ना हो और इमेज बने तो उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज को किसी स्क्रीन पर ऑप्टेन नहीं किया जा सकता, लेकिन रियल इमेज को एक स्क्रीन पर ऑप्टेन किया जा सकता है ना. दिस इज द थिंग. एक बार ये लिखो, इसको ट्राई करो क्वेश्चन को. आपने जो पहले इसकी चीजें की है, हो सकता है उससे कुछ बन जाए, नहीं बने तो कोई बात नहीं, अपन चेक करेंगे, मतलब ट्राई करेंगे. यस, इसको कंप्लीट करो. फिर कुछ साइन कन्वेंशंस देखते हैं. मिरर्स में रिफ्लेक्शन के देखो, सिंपल है. हम क्या कह रहे हैं, हमें कहा जा रहा है कि यहां पे खड़े वाले खड़े हुए आदमी को हर्ष बताना क्या लगेगा, मेरा टॉवर इस तरह से नीचे की तरफ है, राइट? सही कह रहा हूं? तो क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आपके पास यहां पर आदमी अगर ऐसे देखेगा इसमें, तो इसको तो ये लगेगा ना कि टॉवर नीचे है, मिरर इसी तरह से तो रिफ्लेक्शन करेगा, नीचे वाली चीज पर ऊपर वाली चीज विद इन द ग्राउंड लगेगी, करेक्ट? तो आपके पास, हर्ष सही कह रहा हूं क्या, या कुछ कंफ्यूजन है? ओके, तो लेट्स से ग्राउंड है और आपने यहाँ पे टॉवर रख दिया. इसका सिर्फ अब प्लेन रे डायग्राम बनाते हैं. यहाँ पे आपके पास मिरर है ऐसा, और आपको यहां जब आप खड़े हो क्या लगेगा, ये टॉवर जो है, ठीक है, इतना ही लंबा नीचे की तरफ क्या बन रहा होगा इसका इमेज. तो इसकी जो इमेज होगी इट विल बी फॉर्मिंग हियर, उतनी ही हाइट की, ठीक है, विद इन द मिरर, मिरर के अंदर एक ऐसी इमेज बन रही होगी. तो अब ये दोनों जो दोनों है, देखो क्या लिखता है, द टॉप ऑफ द टॉवर एंड इट्स इमेज, मतलब टॉवर का टॉप और इसकी इमेज का टॉप क्या करते हैं, मिरर के कॉर्नर पर, इस वाले कॉर्नर पर जो टॉवर के नजदीक है, विच इज नियर द फुट ऑफ द टॉवर. फिर से देखो, टॉप ऑफ द टॉवर और टॉप ऑफ इट्स इमेज दोनों इस कॉर्नर पर, मिरर के कॉर्नर पर क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहे हैं. सो दिस एंगल इज 90, ऐसा लिख दिया गया, ठीक है. और ये हमें क्या पता है, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, करेक्ट. और ऊपर वाला जैसा ट्राइंगल है वैसा ही नीचे वाला ट्राइंगल है, मतलब इट इज अ, देखो ऐसा, ये वाले दो साइड्स इक्वल, टॉवर की ऊपर जितनी हाइट उतनी नीचे भी, मतलब अगर ये हाइट एच है तो ये भी कैसी हो गई, एच. ये 60 मीटर्स दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस बिटवीन, लेट्स से ये कॉर्नर सी और लेट्स से ये मिरर का एक पॉइंट है पी. तो सी और पी के बीच का डिस्टेंस 60 दिया है, ये वाला एंगल 90 दिया है.
अब जरा सोचने की, खोजने की, समझने की कोशिश करो और बताओ क्या हो जाएगा h की वैल्यू. कर सकते हैं क्या हर्ष, करुणा, गौरी? अब निकाल सकते हो h, जरा सोचो. ऊपर नीचे सिमेट्रिकल है, इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि दिस वन इज 45 और दिस वन इज ऑल्सो 45. अब ट्राई करो, आ जाएगा. गुड. तो हाइट कितनी आ जाएगी करुणा? 60. हर्ष क्या बोला करुणा ने, अब क्लियर हुआ क्या? देखो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा एक बेस ले लिया, ये हाइट है, सिर्फ ऊपर वाले ट्रायंगल को देख रहा हूँ, जैसा ऊपर वाला ट्रायंगल वैसा ही नीचे वाला ट्रायंगल. तो अब जैसे ही मैं ये लाइन बनाऊंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस एंगल इज 45, 90 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऊपर जैसा वैसा ही नीचे, ये एच है जो हमें निकालना है, और बिटवीन द बेस ऑफ द टावर पी एंड द कॉर्नर ऑफ द मिरर सी द डिस्टेंस गिवन इज 60. हम क्या जानते हैं, टैन ऑफ 45 इज इक्वल टू, टैन ऑफ 45 इज इक्वल टू 1 विच इज परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू 1. इसका मतलब h कैसा हो जाएगा, 60. गौरी क्लियर हुआ क्या हमें, हाइट ऑफ द टावर इज 60. यस सर. हर्ष क्लियर हुआ? कोई डाउट हो पूछो. यस हर्ष. हेलो हर्ष, आर यू देयर? करुणा तुम्हें क्लियर हुआ? यस सर. आप लोग ये लिख लो सवाल अपने पास, इन योर कॉपीज द सॉल्यूशन, और जैसे ही हो जाए तो हैंड रेज करना. या यस क्लास. ओके अब मैं इसी सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन लेके आता है. अब क्या हो रहा, फिर से उस मिरर के कॉर्नर को हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स द मिरर. अब की बार एक नई हाइट दी हुई है, अब एक नए टॉवर के लिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है. अब की बार जो टॉवर की इमेज है और जो टॉवर है वो इस पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं, दैट इज गिवन एज 120 डिग्री. कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री. और आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टॉवर की हाइट आपको पता है, तो हाइट ऑफ द टॉवर इज 100 मीटर्स. कितनी है, 100 मीटर्स. तो आपको बताना है इफ दिस हाइट इज 100 मीटर्स, टॉवर की हाइट, और ये जो एंगल सबटेंड कर रही है उसकी इमेज और उसका टॉप, ये है ऑब्जेक्ट का टॉप मतलब टॉवर का टॉप, और ये उसकी इमेज का टॉप है ना. सो इफ दिस एंगल इज 120 डिग्री, यू हैव टू फाइंड आउट हाउ फार इज दिस पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर. यानी कि अगर ये बेस पी है और ये कॉर्नर ऑफ द मिरर सी है, तो ये अब की बार मिरर इस ऑब्जेक्ट से कितना दूर रखा हुआ, ये आपको फाइंड करना है. ट्राई करो, जैसी हो जाए तो हैंड रेज करना और मुझे आंसर सेंड करना. आई एम वेटिंग. यस गो अहेड. मुझे आंसर सेंड करो जैसे हो जाए. ओके हर्ष ने सेंड कर दिया, करुणा भी सेंड कर दिया, गौरी ने भी सेंड कर दिया, ठीक है. अरे भाई साहब इतने सारे आंसर्स. हर्ष ने पहले सेंड किया 100√2, फिर सेंड किया 100√2, गौरी ने और करुणा ने दोनों बार सेंड किया 100/√3. अच्छा सारे आंसर्स, चलो देखते हैं.
तो हमें ये ट्रायंगल बनाना है इस तरह से, और इस ट्रायंगल में, हाँ हाँ बोलो हर्ष। 100 बाय रूट 3 सर, आई जस्ट मेस्ड अप व्हाइल राइटिंग, आई जस्ट रोट 100 बाय रूट 3 व्हाइल राइटिंग एंड हियर आई डोंट इट्स जस्ट गेटिंग कोई बात नहीं, आंसर आया कि नहीं? द आंसर आया 100 बाय रूट 3। ठीक है चलो गुड। ये 60 डिग्री है ना। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि बेस निकालना है। हम क्या जानते हैं, लेट्स से ये बेस है और ये हाइट है। हम जानते हैं कि कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, राइट? लेकिन हमने यहाँ पे कॉस की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक टैन से ही काम हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं, टैन इज बेस बाय, इज परपेंडिकुलर बाय बेस। लेट्स से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो टैन 60 विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस। टैन 60 की वैल्यू होती है √3। परपेंडिकुलर 100 है, हमें बेस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बेस हो जाएगा 100 बाय √3। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है चलो गुड। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम्स में, थोड़ा सोचना होता है बट बन जाते हैं। चलो याद रखना, बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मेरे पास काफ़ी सारे मॉक पेपर्स हैं, राइट? तो आप लोग मुझे बताना, आई विल सेट टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू और आई विल गिव यू द आंसर कीज ऑल्सो। आई थिंक कल वाले की आंसर की बची है, आई विल सेंड दैट टू यू। और मीन वाइल जस्ट इसके बारे में सोच लेना कि अपन लोग काफ़ी सारे टेस्ट रखने वाले हैं और हर टेस्ट का अपन डिस्कशन करते चलेंगे, तो उससे आपका रिविजन भी होता जाएगा। और हम एक एक चैप्टर को लेंगे, मैं आपको एक शीट बनवाऊंगा पूरी सी। तो उस शीट में क्या होगा, उस शीट में उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होंगे और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने करे हैं वो आपको उस चैप्टर में, मतलब उस शीट में डालने हैं। ठीक है, तो वो शीट, एक शीट बेसिकली आपके पूरे चैप्टर का समरी हो जाएगी। तो जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, लेट्स से आप मेरे पास रिविजन टेस्ट देने आ रहे हो या फिर आप अपने कोचिंग के ट्यूशन के सेंटर टेस्ट में जा रहे हो कभी भी, तो वो शीट अच्छे से देखनी है और अपनी फॉर्मूला कॉपी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने। अगर फॉर्मूला कॉपी अपडेट नहीं हुई है कोई बात नहीं, आज से शुरू करो। जो हम आज कर रहे हैं ना, इसमें से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, एवरीथिंग विल गो इनटू योर फॉर्मूला कॉपी। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बस रिविजन करते रहना। जो बच्चा रिविजन करेगा उसकी नैया पार होके रहेगी, भले 10 मिनट करो 20 मिनट करो बट करो। ओके, अब हम देख रहे हैं कुछ जनरल प्रिंसिपल्स वाइल, लिखना जनरल प्रिंसिपल्स इन इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन यूजिंग मिरर्स एंड लेंसेस। ठीक है, कौन से मिरर्स? स्फेरिकल मिरर्स। क्या होता है, अगर आप एक ग्लास के बड़े से ग्लास को, लेट्स से ग्लास शेल को बाहर से पेंट कर दो, या लेट्स से अंदर से या बाहर से किसी भी एक सरफेस से पेंट कर दो, तो दो तरह के मिरर बन के आ सकते हैं। एक कहला सकता है कॉनकेव और दूसरा कहला सकता है कॉन्वेक्स, देखते हैं उसको। ठीक है, तो कुछ जनरल रूल्स हैं, पहले अपन उनको समझते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है ऑफ दैट ऑफ अ फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड इज साइन कन्वेंशन। जिस भी डायरेक्शन से लाइट आ रही है उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, और जहां लाइट जा रही है उसको लेते हैं पॉजिटिव। सो लेट्स से आपके पास, हम कुछ मिरर्स देखेंगे, लेंसेज देखेंगे एक्सेट्रा। लेट्स से ये एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, ऐसा। ठीक है, तो लाइट रे लेट्स से ऐसे आती है इस तरह से, तो लाइट रे जिस साइड से आ रही है उस साइड को, मिरर के उस साइड की सारी लेंस नेगेटिव कहलाएंगी और मिरर के दूसरे तरफ की लेंस पॉजिटिव कहलाएंगी, है ना? ये एक रूल हो गया। अब ना हम जब भी कभी इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे ना, तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज
अ लाइन ऑफ सिमेट्री जिसके अबाउट वो मिरर या लेंथ पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा ऊपर नीचे के दो पार्ट्स में, ठीक है। तो कई बार इसको लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस भी कहते हैं या प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये मिरर को या लेंस को दो सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एकदम बीचों बीच से गुजर रही है ना, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर आप स्फेरिकल मिरर्स की बात करो, सो दिस पॉइंट द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज पोल, मतलब द मिरर के एज का सेंटर। और ये एक्चुअली क्या है, ये ऐसे ग्लास का गोला है जिसका आपने बाहर वाला साइड लेट से पेंट कर दिया सिल्वर एल्यूमिनियम से या सिल्वर से मर्क्यूरी से, ठीक है। तो कोई सिल्वरी मटेरियल लगा दिया एक साइड पे, तो ये वाला अगर एक यहाँ पे सिल्वर मटेरियल लगाया तो दूसरे वाला जो साइड है, क्योंकि ग्लास के दो साइड होते हैं, अगर एक साइड पे आपने सिल्वरिंग कर दी तो दूसरे वाला साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट, यहाँ पर एक सिल्वरी मटेरियल है। ठीक, और इसको हम कहते हैं इंसिडेंट लाइट, मतलब जो लाइट आ रही है वो जहां से आ रही है उस वाले साइड को हम नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। और जो भी लेट्स से अगर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है ये ओ है, ठीक है, और यहाँ पर आपका इमेज है ये लेट्स से आई है, तो वो सारी चीजें जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हैं उन हाइट्स को हम लेते हैं पॉजिटिव, कैसा लेते हैं पॉजिटिव, और वो सारी हाइट्स जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है उनको हम लेते हैं नेगेटिव, ऐसा। दिस इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव व्हाइल दिस इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव, जस्ट लाइक एन क्या बोलूं, ग्राफ, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव, ऐसा, ठीक है, कुछ कुछ वही फंडा है। बट नेगेटिव हमारे वाले केस में बस कहाँ कन्वर्ट हो जाता है कि वो जहाँ से लाइट रे आ रही है आप उसको नेगेटिव मानते हो, उस तरफ की डिस्टेंसेस को जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगला पॉइंट लिखना, रे डायग्राम्स, ये भी आपने पढ़ा होगा 9th-10th में बेसिक रे डायग्राम्स कैसे बनते हैं, तो उनके कुछ रूल्स देख लेते हैं। तो जब भी कभी रे डायग्राम्स बनाने हैं ना, याद रखना लाइट रे का हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगा, राइट, और बाकी चीज़ें समझ में आती जाएगी, रिफ्लेक्शन जैसे हमने देखा है ना, दूसरी चीज़ें देखते हैं करके। जब हम लेंसेज की बात करेंगे ना, या लेट्स से लेंसेज में और पढ़ेंगे, अभी फिलहाल मिरर को देखते हैं। तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, लिखना रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। This is a light ray, तो real and virtual images. क्या फर्क होता है इनमें? जो real image है वो actual intersection से form हो रही है, screen पे form हो रही है, किसके intersection से? Rays के intersection से. So ये ray diagram क्या करता है? ये ray diagram में light rays होती हैं, जब भी कभी mirror आता है तो reflect होती है, अगर कहीं lens आ जाते हैं है ना तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, कोई सरफेस आ जाता है तो रिफ्रैक्ट हो जाती है, मतलब अपना पाथ बदल लेती है, ठीक है, दिशा वही रहती है उसी दिशा में जाती है, थोड़ा सा टर्न हो जाती है तो उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। अभी हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं लेट्स से, है ना, तो जब भी कभी लाइट रेज, दो लाइट रे आती हैं तो एक इमेज बनती है, तो कम से कम देयर आर टू रेज रिक्वायर्ड, मिनिमम टू रेज के इंटरसेक्शन से, टू रेज इंटरसेक्ट to form an image, minimum, है ना, कम से कम दो rays चाहिए, अगर आपको एक image बनानी है तो कम से कम दो rays की जरूरत होती है for an image to form,
ठीक है, ये बात हमें समझनी है। अगर कभी भी लाइट रेज का रियल इंटरसेक्शन हो रहा है तो उससे जो इमेज बन के आती है दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो दिस इज ऑब्टेन्ड। इनफैक्ट ये स्क्रीन पर ही दिखती है, ऑन अ स्क्रीन। जस्ट वन मिनट। इफ वी हैव इमेज फॉर्मेशन विद द एक्सटेंशन ऑफ रेज, ठीक है, तो वर्चुअल इमेज बन के आती है। वर्चुअल इमेज के लिए स्क्रीन की जरूरत नहीं होती है ना, सो कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन या नॉट ऑन स्क्रीन। जनरली जो वर्चुअल इमेजेस होती है जनरली वो इरेक्ट होती है, और रियल इमेजेस जो होती है जनरली इन्वर्टेड होती है। नॉट ऑलवेज बट जनरली। So virtual images cannot be obtained on a screen, ऐसा लिख सकते हो। But हम अपनी आंखों से देख सकते हैं virtual image को, ठीक है? Can be seen with the eye, जैसे आप real image को देख सकते हो वैसे आप virtual image को भी देख सकते हो। Can be seen with eye, but इसको आप screen पे obtain नहीं कर सकते। But cannot be obtained on the screen. ठीक है, डन। अगर हो जाए तो बताओ। डन, ठीक है। अब एक प्लेन मिरर के बारे में खासियत बात समझना। प्लेन मिरर में होता क्या है, जितना सामने ऑब्जेक्ट है उतना ही कैसा होगा, उतना ही पीछे उसका इमेज होगा। कहने का मतलब, लेट्स से अगर यहां पर एक पॉइंट है, है ना, सो सबसे पहले क्या होगा, लाइट रे जाएगी, टकराएगी, और टकरा के कैसे चली जाएगी वापस, ऐसा, राइट? वैसे ही यहां से भी क्या करेगी, लाइट रे जाएगी, टकराएगी, और टकरा के कैसे चली जाएगी वापस। अब हमने क्या करना है, लाइट रे के जो जिस जगह पर लाइट रे टकराई है इस जगह को, इस पॉइंट को ऐसा एक्सटेंड करना है इस तरफ, समझ रहे हो? सो I think I'll draw a better diagram. One minute. ये light ray को यहाँ से लेते हैं ऐसा, ठीक है? मैं एक्चुअली देख रहा हूँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस एंगल लगभग एक दूसरे के इक्वल हो जाए ऐसा। ठीक है, तो अब आप क्या करते हो, जब लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई तो ये वाले साइड, ये वाले लाइन को और ये वाली लाइन को इस तरह से एक्सटेंड कर देते हो, ठीक है? तो यहां जो बन के आती है इनके इंटरसेक्शन से, ये कहलाती है वर्चुअल इमेज। ये आपका ऑब्जेक्ट था, इसकी यहां पे वर्चुअल इमेज बन के आई। रियल इमेज हम देखेंगे मिरर्स के केस में, व्हेन वी आर ड्राइंग मिरर्स और लेंसेज तब हम रियल इमेज देखेंगे। ये वर्चुअल इमेज है क्योंकि अभी आपने एक ही चीज पढ़ी है। तो अब जितना ऑब्जेक्ट आगे की तरफ है, लेट्स से अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो इमेज उतना ही पीछे की तरफ होती है, ठीक है? सो अब एक अंडरस्टैंडिंग समझना, एआई क्वेश्चन बना के देखो, लेट्स सी बना पाते हो क्या। करुणा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है बताओ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं इसको? ओप्स, हाँ बोलो करुणा,
ऑफ ए ए माइनस बी. वेलोसिटी ऑफ बी. अच्छा विद साइन या विदाउट साइन. ऑलवेज वेलोसिटी कैसा है, वेक्टर है स्केलर है, वेक्टर तो कैसे वेक्टर लेंगे, विद विद साइन विदाउट साइन. विद साइन. विद साइन. तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज गिवन एज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, है ना. अब आपको क्या दिया जा रहा है, लेट्स से आपके पास इस तरह से एक सरफेस है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है इस मिरर की तरफ आ रहा है विथ 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो जरूर इसकी पीछे कुछ इमेज बन रही होगी, राइट. आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द. अच्छा इस 2 मीटर पर सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये एक्स डायरेक्शन है तो आई जे के टर्म्स में बताना हर्ष. 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को आई जे के टर्म्स में क्या लिख सकते हो, बोलो. यस हर्ष. टू आई नॉट. 2i कैप क्या लिख सकते हो, ये सर 2i कैप. 2i कैप, राइट. तो अगर आप इसे 2i कैप लिख सकते हो, आपको बताना है इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2i कैप. सबसे पहली चीज आप बताओगे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, और फिर बताओगे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट io. देखें कर पाते हो क्या, ट्राई करो. आई जे और के टर्म्स में बताना. आई एम वेटिंग. जैसी हो जाए आप लोगों का हैंड रेस करो, ठीक है. या हर्ष ट्राई करो मेरे साथ, क्या हो जाएगा इमेज के लिए, बोलो. वेलोसिटी विल बी, अगर ऑब्जेक्ट इमेज की तरफ जा रहा है, मिरर की तरफ जा रहा है, तो इमेज कहाँ आ रही होगी, टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट. सही कह रहा हूँ, राइट. तो अब मिरर के लिए स्पीड कितनी होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड बताना, उतनी ही जितनी ऑब्जेक्ट की है, विच इज बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्या हो जाएगी, बोलो. माइनस 2i कैप. पक्का, ठीक है. अब यहां देखना v ऑफ i विल बी माइनस 2i कैप, और v ऑफ i विथ रिस्पेक्ट टू o कैसा हो जाएगा, बोलो हर्ष. v ऑफ i मतलब वेलोसिटी ऑफ द इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. देखो ना वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, v ऑफ ए माइनस v ऑफ बी. हर्ष क्लियर हो रहा है कि नहीं, ओके. सो गौरी आगे बताओ क्या करें, सब्स्टिट्यूशन करो. हाँ गौरी बोलो, v ऑफ इमेज कितनी है बताओ गौरी, पीछे की तरफ जा रहा है विद 2 मीटर पर सेकेंड. यस गौरी बताओ, वी आई विल बी. गौरी करो करो सब्स्टिट्यूशन करो, हो जाएगा माइनस माइनस 2i कैप, बिल्कुल सही. और ऑब्जेक्ट के लिए कैसा है, 2i कैप. क्या हो जाएगा बोलो, स्पीड विल बी माइनस 4i कैप. लेट्स से अगर मीटर पर सेकेंड में, तो माइनस 4i कैप मीटर पर सेकेंड, मतलब दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. मतलब ऑब्जेक्ट को ऐसा लगेगा कि इमेज मेरे तरफ कितनी गति से दौड़ रही है, 4 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है, करो ना, सही है कि नहीं, चेक करो एक्सप्रेशंस को. यस सर. क्या कहते हैं, जब किसी आप चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की क्या करती है, साजिश करती है. वही हो रहा है कि नहीं, आप 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से भाग रहे हो, लेकिन आपको क्या लगेगा, यूनिवर्स क्या कर रहा है आपकी तरफ, आपकी इमेज को कितने प्रति मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से भेज रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड की. मतलब जितने एफर्ट आप अपने लक्ष्य की तरफ पाने के लिए आगे करते हैं, जो इमेज है, यानी कि जो रिजल्ट है, वो आपकी तरफ आने के लिए आपसे डबल वे करा रहा है. सही कह रहा हूँ कि नहीं करुणा. yes. है ना. तो बस एक सिंपल सा एग्जांपल से हम ये समझ रहे हैं कि आप लोग को मेहनत करते रहनी है, कभी भी मेहनत करना छोड़ना मत. बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे ऐसा लगेगा फ्रस्ट्रेशन जैसा, अरे छोड़ दूँ ये वो, बट कभी हार नहीं मानना, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आखिरकार तो फाइनली कुछ ना कुछ डेंट पड़ेगा, है ना. लेट्स से अगर कोई एक लकड़ा आ रहा है ना, वो लकड़ी काटता है तो पहले क्या करता है पता है, एक छोटा सा वहां पे डेंट बनाता है विद द हेल्प ऑफ हिज एक्स,
और फिर लगातार उस डेंट पर मारते चला जाता है। नाउ हो सकता है आखिरी वार करते ही वो जो लकड़ी है वो टूट जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आखिरी वार से टूटा। जब तक वो वार कर रहा था हर वार लकड़ी को कमजोर करता गया और फाइनली लकड़ी टूट गई। तो आप लोगों को भी यही करना है, मेहनत करते जाओ करते जाओ, बार बार गलती होगी, बार बार मार्क्स कम आएंगे, कोई बात नहीं, फिर पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से मेहनत करो, फिर पूरे जुनून के साथ गो अहेड एंड सॉल्व, राइट। लेकिन एट द एंड यू विल फाइंड कि आपकी सारी मेहनत कभी ना कभी कहीं ना कहीं सफलीभूत हो जाएगी एंड यू विल सक्सीड एंड कॉन्कर, ठीक है। तो आगे के प्रिंसिपल्स कल देखते हैं, कल मिलते हैं राइट मॉर्निंग में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड बाय बाय। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, क्लियर है चीजें राइट, ठीक है, देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।